बच्चों तो क्लास 7 का जो है वो हम फर्स्ट यूनिट एडेप्टेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम टॉपिक आज देखने वाले हैं एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन स्नोई रीजन एंड एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल। तो स्नोई रीजन का मीनिंग क्या होता है, जो बर्फीला एरिया होता है वहां के जो एनिमल्स है उन्होंने खुद में क्या एडेप्टेशन किया, और जो एरियल यानी जो हवा में उड़ने वाले एनिमल्स है तो उन्होंने खुद के बॉडी में क्या एडेप्टेशन हुए, चेंजेस हुए। देखिए आप जो बुक में पढ़ते हो वो तो ठीक है, पर वो ध्यान में नहीं रहता, तो अपनी एक सेपरेट अलग जो है वो स्पेशल बुक बनाना और इसमें से पॉइंट लिख के रखना, जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं उस टाइप जो है वो आपको पॉइंट्स जो है वो निकालना पड़ेगा। यानी जब भी आपको पढ़ना होगा तो ये पॉइंट जो है वो पूरी तरीके से आपको याद रहना चाहिए, और उससे फिर आप पेपर में या एग्जाम में अच्छी तरीके से जो है उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, उसको लिख पाओगे। बुक पढ़ोगे, बुक पढ़ते 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 जाओगे, और देखिए एक काम करना, आप क्या करना, पूरा बुक जो है वो एक यूनिट पूरा बुक से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद सोचना कि मुरे को क्या आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आपका पूरा ब्रेन वॉश हो जाएगा, कुछ भी आपको याद नहीं आएगा। और जब आप ऐसे पॉइंट्स निकालोगे और पॉइंट से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद रहना शुरू हो जाती है। पॉइंट जो निकालना और उसको रेगुलर बेस पे जो है वो देखते रहना, उसको लिख के देखना, तो आप जो है वो परफेक्ट बन जाओगे। अब देखते हैं, देखिए एडाप्टेशन ऑफ एनिमल इन स्नोई रीजन। अब स्नोई रीजन यानी बर्फीला एरिया, देखिए बर्फ यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अगर हमारे यहाँ पे जब ठंड पड़ती है तो हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट लेते हैं, दुलई लेते हैं, तो जो है वो स्वेटर पहनते हैं, तो पूरे एरिया हमारे बॉडी को ढक के रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ठंड होती है तो हमें गर्मी की आवश्यकता होती है। तो स्नोई रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं तो उनको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनके स्किन के ऊपर जो है और लॉन्ग यानी बड़े और जो थिक हेयर है वो निकलते हैं, वो उनका एडेप्टेशन है, वो उन्होंने चेंजेस किया ताकि वो उस स्नोई रीजन पे अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके। और उनकी बॉडी की बात करें तो वो जनरली जो है वो सिल्वर या व्हाइट कलर की हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन स्नोई रीजन, बॉडी कैसी होती है सिल्वर एंड व्हाइट, और स्किन कैसी होती है उसमें लॉन्ग एंड थिक हेयर होते हैं, ये दो ही पॉइंट आपको जो है वो स्नोई रीजन के एडेप्टेशन में सबसे बढ़िया ध्यान रखना है। अब एरियल्स एनिमल्स की बात करें तो देखिए एरियल्स एनिमल्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमें दो हाथ है दो पैर है चलने के लिए, तो उनको उड़ना है, तो उड़ना है तो ये जो दो फोर लेग्स होते हैं यानी अगले वाले जो उनके पैर होते हैं वो विंग्स में बदल जाते हैं। ठीक से, तो ये विंग्स में बदलने की वजह से वो हवा में उड़ सकते हैं। उसका बॉडी शेप की अगर हम बात करें, देखिए फोर लेग जो होते हैं यानी आगे वाले जो दो हमारे हाथ है या पैर है हम बोलेंगे वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी के साथ उनका बॉडी शेप की बात करें तो ये स्पिंडल होता है, स्पिंडल यानी इस प्रकार के, ठीक है, जिसकी वजह से वो हवा में अच्छी तरीके से रेजिस्ट कर पाते हैं, रह पाते हैं और अच्छी तरीके से हवा में उड़ पाते हैं। वेट की बात करें तो अगर वो बहुत भारी होते हैवी होते तो वो हवा में उड़ नहीं पाते, तो उनका बॉडी वेट भी उनको लाइट होता है ताकि वो अच्छी तरीके से हवा में उड़ सके। ये सारी चीज़ें उन्होंने डे बाय डे जो है वो उनके बॉडी में चेंजेस हुई, अडाप्ट हुई। बोन्स की बात करें तो वो हॉलो होती है, यानी बोन अगर पूरे हॉलो नहीं होते तो उसका वेट की वजह से शायद वो उड़ नहीं पाते, तो बोन अंदर से खोखले होते हैं, यानी बोन कैसे होते हैं इस प्रकार से होते हैं, अंदर कुछ भी नहीं होता, इसकी वजह से उनका वेट कम हो जाता है और उस वजह से एनिमल जो एरियल एनिमल है वो अच्छी तरीके से उड़ सकते हैं। अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इनका भी वेट जो है वो कम होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे इंसेक्ट जो है, बर्ड तो आपने बहुत सारे देखे होंगे पर छोटे छोटे इंसेक्ट है वो भी उड़ते हैं, तो उनका भी वेट जो है वो बहुत हल्का होता है। उनकी शेप की बात करें तो वो टेपर्ड होते हैं, यानी कोन की तरह ऐसा उनका दिखना अपना ऐसा कोन की तरह होता है ताकि वो अच्छी तरीके से फ्लाई हो सके। अब फ्लाइंग की अगर हम इनके इंसेक्ट की बात करें तो इनको टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, यानी दो जो है वो पंख होते हैं पर वो उड़ने के लिए, पर ज़मीन पे जो इंसेक्ट वो चलते भी है तो उनको सिक्स जो है वो स्टिक लेग्स भी होते हैं। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो इनके भी लेग्स होते हैं पर दो ही लेग होते हैं, पर इनको जो इंसेक्ट होते हैं उनको छः लेग भी होते हैं और दो विंग्स ऑफ पेयर भी होते हैं। और उसी के बैट की अगर हम बात करें तो बैट पैटाजियम नाम का एक उस पर फंक्शन होता है, यानी मान के चलो कि ये बैट है तो इसके जो आगे वाले और पीछे वाले पैर है एक स्किन से जो है वो जुड़े होते हैं पूरे, ठीक है, कनेक्ट होते हैं, उसको पैटाजियम बोला जाता है। तो ये चेंजेस होता है बैट में, देखिए समझ में आ गया, तो ये आपको याद भी रखना है, तो इस प्रकार से पॉइंट निकालना ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे। मैं फास्टली जो है वो आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर पढ़ा तो रहे ही नहीं। देखिए एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन, फ्रॉम द इंटरनेट से आपको डाउनलोड करना इमेजेस एनिमल्स लाइक याक, पोलर बियर, व्हाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, सिबेरियन हस्की डॉग एंड स्नो लियोपार्ड, ये सबकी जो है वो डायग्राम जरूर देख लेना। तो कंपेयर द इमेज ऑफ सिमिलर एनिमल फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल या फॉरेस्ट यानी जो उष्ण कटिबंधीय जहाँ पे गर्म एरिया है वहाँ के, और जो ठंडा एरिया है स्नोई रीजन है उनके कंपेयर करना, तो आपको दिखेगा कि ये जो स्नोई रीजन में जो एनिमल्स ग्रो होते हैं उनकी व्हाइट और सिल्वरी बॉडी कलर होता है, लॉन्ग थिक हेयर ऑन स्किन जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि वो ठंड से बच सके।
स्किन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल ऑफ द स्नोई रीजन. तो ये कैरेक्टरिस्टिक है और उसके यूज क्या है वो भी हमें, हाउ आर दीज यूजफुल ऑफ देम, ठंड से बचाएंगे, ठीक है, यही एक यूजफुल है. अब देखते हैं एरियल एनिमल्स में जो मैंने लिखा है वही यहाँ पे है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन किया है, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में उसको लिखने की कोशिश की. आपको भी ऐसे पॉइंट जो है वो बनाते चलना है. देखिए व्हाट द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हीकल्स ऑन द रोड एंड एरोप्लेन. देखिए रोड में हम जो चलते हैं गाड़ियाँ, और एरोप्लेन्स में, एरोप्लेन्स में आपने देखा होगा इस प्रकार का जो है वो शेप होता है एरोप्लेन का, ठीक है, ऐसा शेप होता है, तो इसको स्पिंडल शेप बोला जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से फ्लाई कर सकता है, ठीक है, और रेजिस्ट कर सकता है. देखिए ऑब्जर्व, सॉरी, द स्पिंडल शेप ऑफ बॉडी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो मिनिमाइज. स्पिंडल शेप यानी इस प्रकार का शेप, ठीक है, तो जो बर्ड्स का स्पिंडल शेप होता है ऑल्सो मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर. तो जो हवा का जो टकराव होता है या हवा जो रोकती है तो उसको मिनिमाइज करता है, उसको कम कर देता है. वाइल फ्लाइंग, जब वो उड़ते हैं, ये शेप की वजह से, मान के चलो कि ऐसा शेप होता तो ऐसे शेप में तो उड़ नहीं पाएगा ना इंसान एनिमल्स, ठीक है, कोई बर्ड्स है या कोई ये है, तो क्योंकि ये रेजिस्ट नहीं करेगा, तो ऐसा जो है वो ज़्यादा एयर से जो है वो यानी एयर को फ्लाइंग के लिए मदद करेगा. समझ में आ गया ना ये कंसेप्ट, यानी देखो क्या बोल रहा है वो, ये लाइन को अच्छी तरीके से समझा. स्पिंडल शेप ऑफ बॉडी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर. हवा का जो ये लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उसको ये जो है ऐसे शेप की वजह से ज़्यादा एयर जो है उसको रोक नहीं पाएगा, तो वो आसानी से जो है वो हवा से गुजर जाएगा, उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ एयर, यानी हवा जैसा उसको रोक नहीं पाएगी, तो इस शेप की वजह से जब वो उड़ता है. विथ हॉलो बोन्स, उसके बोन्स कहते होते हुए हॉलो खोखले होते हैं, ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई. द बॉडी कवरिंग फीदर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इनटू विंग्स. तो बॉडी में क्या होता है, जो आगे वाले दो पैर होते हैं वो विंग्स में बदल जाते हैं. देयर बॉडी इज लाइट इन वेट, हल्की होती है, एंड अडॉप्ट फॉर फ्लाइंग, और फ्लाइंग के लिए अडॉप्ट हो जाती है. द बॉडी ऑफ इंसेक्ट की बात की है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इंसेक्ट के बारे में बताया, इनका भी क्या बोला है, देखिए द बॉडी ऑफ इंसेक्ट ऑल्सो इज अ लाइट इन वेट यानी हल्की होती है, एंड टैपर्स एट द बोन बोथ एंड, टैपर्स यानी कोन जैसा शेप होता है. दे कैन फ्लाई विथ टू पेयर्स ऑफ विंग्स, वो दो पंख के द्वारा उड़ते हैं, एंड ऑल्सो वॉक विथ सिक्स स्टिक लाइक, स्टिक यानी एक छोटी बारीक लकड़ी होती है ना, उसके द्वारा उसके जो है वो लेग्स भी होते हैं सिक्स. बैट्स कैन फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ पैटेजियम, बैट जो होते हैं चंगादर, ठीक है, तो वो पैटेजियम के इससे जो है वो हेल्प से फ्लाई होते हैं. पैटेजियम यानी जो आगे वाले दो पैर और पीछे वाले दो पैर है, एक पतली स्किन से जो है वो अटैच होता है, उसको पैटेजियम बोला जाता है, जिसकी वजह से वो उड़ता है. थीन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन देयर फोर लेग एंड हिंड लेग्स, फोर लेग आगे वाले और पीछे वाले दोनों लेग्स में वो स्किन का तरह एक पर्दा कनेक्ट होता है, उसकी वजह से उड़ते हैं. ऑब्जर्व द वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट इन योर एरिया, तो आपको ऑब्जर्व करना है. आई थिंक आपको ये स्नोई रीजन और जो एरियल एनिमल्स है इसमें एक एडाप्टेशन होता है, ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इसमें हम एडाप्टेशन इन रेप्टाइल्स सीखने की कोशिश करेंगे. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ. अगर आपने वीडियो पहले पार्ट से प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद पहले पार्ट से पूरा यूनिट को देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. वीडियो हेल्पफुल रहा एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.